नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर और आज की एक और नई वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश पी एस एग्ज़ाम 2023 सीरीज सी हमारे पास है जिसको हम आपको इसके आंसर की बताने वाले हैं बाकी आप अपने सीरीज में क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर को मिलाकर आप अपने आंसर्स करेक्ट कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे और ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को आज की वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा नया बैच और हमारी पोस्टल दर्पण की बुक जो कि पी एस सी पोस्टमैन एम टी एस सभी के लिए अवेलेबल है अगर आप में से कोई भी लेना चाहता है संपर्क कर सकता है एट फाइव एट जीरो एट सेवन टू फोर थ्री वन पे चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को आज की वीडियो पहला क्वेश्चन है सीरीज सी आर्टिकल पोस्टेड इन डिफरेंट पोस्ट

फॉर्म पी एर उपर ऑप्शन विद द जॉइंट कस्टडी ऑफ कैश एंड वेल्यूबल विच ऑथोरिटी में एक्सटेंड दसिस्टेंट फ्रॉम जॉइंट कस्टडी आफ्टर दू हेड ऑफ द डिविजन ऑप्शन नंबर बी आगे रहेगा वट इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ पीपीएफ अकाउंट क्वेश्चन नंबर पांच ठीक है तो तो इसका राइट आंसर है है इनकम इनकम इंटरेस्ट अर्न इज टैक्सेबल अंडर टैक्स ये वाला करेक्ट नहीं बाकी सब भी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर छह है आर एम एस ऑफिस तथा सेक्शन के कार्य से संबंधित वर्क पेपर संरक्षण अवधि क्या है तो बी राइट आंसर हो जाएगा अठारह महीने का क्वेश्चन नंबर सात है आरएमएस में पोर्टफोलियो का क्या अर्थ है ठीक है पोर्टफोलियो का क्या अर्थ है चार ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे काम से संबंधित वस्तुओं वाला एक बॉक्स पर्सनल सेविंग ऑफ स्टाफ कैश बैलेंस ऑफ एच ठीक है क्वेश्चन नंबर सात का अ बॉक्स कंटेनिंग वर्क रिलेटेड आइटम्स या फिर इनमें से कोई भी नहीं तो राइट right आंसर है बॉक्स रिलेटिंग वर्क से रिलेटेड के आइटम्स आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ मेल बैग मेल बैग के मामले में क्या करेक्ट नहीं है ठीक uh, है क्वेश्चन नंबर आठ मेल बैग्स में कॉन्टेंट रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल मेल बैग्स आर ड्यू बैग्स ये करेक्ट है ठीक है तो मेल बैग्स में कॉन्टेंट आर्टिकल ऑन विच कस्टम ड्यूटी इज बींग रियलाइज ड्यूटी इज बींग रियलाइज वसूल किया जाना होता है या फिर उपरोक्त से भी तो मेरे को लगता है कि सी करेक्ट नहीं होना चाहिए बाकी सभी करेक्ट है मेल बैग्स रजिस्टर्ड बैग ठीक है क्वेश्चन नंबर नौ तो राइट आंसर इसका बी होगा अकाउंट बैग एपीएमसी मींस ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये लिया गया है यूएसए देश से आगे बढ़ेंगे वंदे भारत इज न्यूज फ्रॉम ठीक है पे करंट अफेयर्स में से आया था वंदे भारत द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया है ना वेयर इज द दिस सेंचुरी कुछ दिनों पहले ही हमने ये किया था राजस्थान में है ये ठीक है मैच द फॉलोइंग आपको फॉलोइंग मैच करने हैं तो क्वेश्चन नंबर अठारह में राइट right आंसर हो जाएगा बी ए का फोर बी का थ्री सी का टू डी का वन आगे फिल इन द ब्लैंक्स एथिक्स डील्स विद द करेक्टनेस ऑफ कंडक्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उन्नीस का आगे है बीस फिल इन द ब्लैंक्स अ मोटिव इज डैश मेंटल प्रोसेस एंडिव ठीक है सहज का नियुक्त मानसिक प्रक्रिया है आगे क्वेश्चन नंबर इक्कीस राहुल परचेज कर रहा है दस एप्पल ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इक्कीस आपका राइट right आंसर हो जाएगा डी ठीक है आगे है मनीष सेल्स टू बर्ड्स ठीक है जहां पे मनीष पंद्रह सौ रुपए में दो चिड़िया बेच रहा है क्वेश्चन नंबर बाईस राइट आंसर हो जाएगा चार परसेंट लॉस आगे व्हाट इज द अगर पच्चीस एक्स परसेंट ऑफ नब्बे इज इक्वल टू थर्टी परसेंट ऑफ नाइन हंड्रेड ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री राइट आंसर हो जाएगा ए एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है ठीक है तो x की मैथ में ही के वैल्यू निकालनी है आपको क्वेश्चन नंबर चौबीस है इफ और इन डेज़ दिनों में तीन बंदे और चार औरतें ठीक है एक कुआ खोद रहे हैं वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौबीस तो राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगे बढ़ेंगे महेंद्र कवर्स ठीक है जहां पे महेंद्र चालीस बारह किलोमीटर पैदल चलकर जो है डिस्टेंस कवर कर रहा है क्वेश्चन नंबर पच्चीस वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अठारह किलोमीटर पंद्रह व्यक्ति सोलह दिन में कोई काम कर रहे हैं जिस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर छब्बीस उसमें राइट right आंसर आपका दस दिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब बस ड्राइवर हैज टू कवर अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 260 किलोमीटर चार घंटे में 260 किलोमीटर बस चला रहे हैं जिसमें एक ड्राइवर साहब क्वेश्चन नंबर सत्ताईस तो राइट आंसर वहां पे आपका अस्सी हो जाएगा वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन फॉलोइंग एक्सप्रेशन ठीक है क्वेश्चन नंबर अट्ठाइस आप ये वाला एक्सप्रेशन देख लीजिए इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस में तो x की वैल्यू b चार सौ एक हो जाएगी ठीक है आपको आगे एक व्यंजक दिया एक्सप्रेशन दी है उसको आपने निकालना है क्वेश्चन नंबर उनतीस में क्वेश्चन देखें मिलाए और उसके बाद निकालें तो डी राइट आंसर हो जाएगा जीरो शून्य इसी राशि पर आठ आठ प्रतिवर्ष की दर से दो वर्ष का साधारण ब्याज उस पर पांच वर्ष की या, दर से एक वर्ष के साधारण ब्याज से एक सौ दस अधिक है वह राशि क्या है क्वेश्चन नंबर तीस तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बारह सौ कैसे निकालना है सॉल्व करना है वो आप सभी को पता है किसी कारखाने के सभी कर्मियों की औसत आयु औसत आय रुपये आठ हजार है ठीक तो है तो आठ हजार औसत आय है तो वहां पे आपको राइट आंसर निकालना है तो राइट आंसर है तेईस आगे है साधारण ब्याज पर कोई राशि ढाई वर्षों में जहाँ पर एक हजार बारह है ठीक है तो ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बत्तीस इसका राइट right आंसर हो जाएगा आपके पास डी चार परसेंट इसी कार्यालय में कर्मचारियों की औसत आयु 35 वर्ष है तो ये वाला क्वेश्चन में आपका राइट right आंसर हो जाएगा अठारह ऑप्शन नंबर सी ठीक है अजय और विजय जब साथ काम करेंगे आठ दिन में तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर पे सी ट्वेंटी राइट आंसर हो जाएगा आपका आगे है तीन संख्याओं का औसत पैंतालीस है अगर तीन संख्याओं का औसत पैंतालीस है ये जो क्वेश्चन है आपका थर्टी फाइव उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साठ साधारण ब्याज पर किसी निश्चित समय में एक धनराशि पांच गुना हो जाती है अगर ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स उसमें राइट right आंसर है ए पच्चीस वर्ष ठीक है किसी कॉलेज में सोलह विद्यार्थियों की औसत आयु बीस वर्ष दी गई है आपको सैंतीस में तो राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोलह वर्ष पूरे पूरे क्वेश्चन पढ़ने का मेरे पास समय नहीं है समय के चलते हम आप मिलान कर लीजिएगा इनका ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट एक कार किसी दूरी को चौवन किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में पचास मिनट लेती है ठीक है ये जो क्वेश्चन है उसमें आपका सी राइट आंसर हो जाएगा थर्टी मिनट्स। थर्टी नाइन है आपका अनुज किसी कार्य को आठ दिन में पूरा करता है वैसे अनुज नाम के लोग इतने होते नहीं है उन, 39, तो यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर की ओर एक व्यक्ति किसी दूरी को बारह किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय कर रहा है जिसमें वो डी राइट आंसर हो जाएगा चौबीस किलोमीटर निम्नलिखित कि श्रृंखला में एक पद गलत है एक आपके पास श्रृंखला दी गई है दस छब्बीस चौहत्तर दो सौ अट्ठारह चौसठ उन्नीस सौ छियालीस और अट्ठावन चौतीस रॉन्ग टर्म आपको बताना है फोर्टी वन में राइट तो आंसर right हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छ सौ चौवन वट इज मिसिंग टर्म इन फॉलोइंग मिसिंग टर्म बताना क्वेश्चन में, में, तो right है? है जैसे की बी इंसेक्ट होते हैं क्रोकोडाइल क्या होते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री ठीक है तो आई थिंक क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स होते हैं सरिस में आते हैं शायद से है ना तो डी राइट आंसर होना चाहिए बाकी आप लोग बताएं जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है सॉल्यूशन है आपके पास उसका तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपलोड करें क्वेश्चन नंबर सिमिलर टू द सेट तीन अठारह छत्तीस बी है चार चौबीस अड़तालीस ठीक है छ के पहाड़े में जा रहे हैं ऑड वन आउट फ्रॉम ठीक है फ्लूट गिटार वायलिन बीना सितार तो यहाँ पे ऑड वन आउट करना है तो फ्लूट होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में आगे बढ़ेंगे इफ फिश इज ठीक है जो आ, फिश को एक कोडेड लैंग्वेज में लिखा गया है तो क्वेश्चन नंबर में तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑरेंज इज कॉल्ड ठीक है ऑरेंज को तो जहाँ पे बटर बोला गया है, ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा सोप ठीक है इफ शालू इज टॉलर देन राखी ठीक है और शॉर्टर देन प्रेरणा ठीक है शालू राखी से लंबी है जिस क्वेश्चन में और पर प्रेरणा से छोटी है तो वहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका डी शॉर्टर आगे है कमल गोस थर्टी मीटर नॉर्थ ठीक है कमल थर्टी मीटर नॉर्थ गया उसके बाद राइट टर्न किया चार चालीस मीटर तो आपको इसमें बताना था कि कमल कहाँ पर खड़ा है स्टार्टिंग पॉइंट से तो राइट आंसर है फोर्टी नाइन का दस मीटर साउथ में खड़ा साउथ में खड़ा है ठीक है तो आगे जो है ये इन एक्सप्रेशन के हिसाब से जो है अगले सारे क्वेश्चन होने हैं तो इन एक्सप्रेशन को आपने पढ़ना था यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर पचास का राइट right आंसर हो जाएगा डी right पेरेंटल तो क्वेश्चन नंबर बावन से तिरपन ये जो तीन क्वेश्चन है ये इन निशानों के हिसाब से चलने हैं तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू का राइट आंसर डी हो जाएगा थ्री का राइट right आंसर जो है वो बी हो जाएगा 54 का राइट आंसर है जो है वो ए हो जाएगा आगे बढ़ते हैं ठीक है 55 में आपके पास प्रॉब्लम और आंसर फिगर दी गई तो राइट आंसर यहां पे बी हो जाएगा टू 56 में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आपने गिनने थे इस क्वेश्चन में 56 में तो राइट आंसर हो जाएगा ए टोटल तो 27 स्क्वायर इसमें है ठीक है तो आपको यहां पर मिरर इमेज मलयालम ये आपको बतानी थी 57 में तो राइट आंसर हो जाएगा बी मिरर इमेज द द मिरर इमेज ऑफ फिगर ठीक है तो गिवन फिगर जो है उसकी आपको मिरर इमेज बतानी थी इनमें से कौन सी होगी 58 में तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा नंबर थ्री जो है ये वाली मिरर इमेज है ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज है आपके पास आंसर सीरीज भी है तो राइट आंसर आपको बताना है फिफ्टी में क्या हो जाएगा तो सी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा

ठीक है ग्रेस मार्क मिलना चाहिए या फिर ये हट जाएगा उसमें से तो इसका शिलोंग होता है वैसे राइट आंसर सिक्सटी टू पे जाएंगे हम ठीक है इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल तो राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि मैक्सिमम फ्रेंट आर्टिकल को पांच पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर सकते हैं जो कि दो में होता है वैसे फिक्शियस पोस्ट uh, के तहत दंडनीय अपराध है तो ए राइट आंसर हो जाएगा विच इज नॉट करेक्ट फॉर एड्रेस राइटिंग ऑन मेल एड्रेस ठीक है फॉर डिफेंस पर्सनल ठीक है तो कौन था इसमें से गल राइट राइट नहीं है चौंसठ का ठीक है तो राइट आंसर हो जाएगा डिपोस्टाउन शेल बी रिटर्न ऑन द एड्रेस ठीक है तो ये गलत है आगे विच इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रीड डायरेक्शन रीड डायरेक्शन के मामले में क्या आ, सही नहीं है तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पैंसठ पे सी पार्सल में जो है आ, अगर वो सेम एड्रेस पे भी होगा तो भी उसमें नया चार्ज लिया जाएगा ठीक है तो ये गलत है सिक्सटी सिक्स है

वो एक महीने तक आप पोस्ट ऑफिस में रख सकते हैं अगर वीपी वे, वे होगा तो सात दिन तक रखेंगे है है ना इज कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन ठीक तो यहाँ पे चार ऑप्शन है अफगानिस्तान भूटान पाकिस्तान बांग्लादेश और मुझे लगता है कि ये सभी की सभी जो कंट्रीज है है ना ये है ये एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की मेंबर तो बाकी आप लोग बताए कमेंट में ये है कि नहीं तो ये भी आपके ग्रेस होना चाहिए मेरे जजमेंट के हिसाब से तो

पर इंश्योर्ड पार्सल कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फिलीपींस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फुल फॉर्म ऑफ यूपीयूज़ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी है आई थिंक ये भी सेवेंटी सिक्स जी बिल्कुल आगे एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर जो है बैंकॉक में है थाईलैंड ऑप्शन नंबर ए सतर का सेवेंटी कैन द ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल ऑफ अ कंट्री

रूलर सिस्टम ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर पे हो जाएगा पोस्ट इन्फो सीईपीटी मैसूर के द्वारा डेवलप किया गया तो यही राइट आंसर हो गया डिजास्टर रिकवरी सेंटर जो है क्वेश्चन नंबर एटी फोर तो ये दो हजार पंद्रह से चालू हुआ ठीक है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका

पोस्टमैन स्टाफ एम ओ एच प्रोजेक्ट के तहत ठीक है पी ओ एस बी कस्टमर फैसिलिटी ऑफ मोबाइल बैंकिंग फ्रॉम एटी एट में मोबाइल बैंकिंग जो है कब से मिली अक्टूबर दो हजार उन्नीस से विच इज नॉट रिलेटेड टू सी एस आई सी एस आई से कौन सा रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन नंबर एटी नाइन तो राइट right आंसर है आर एच रिलेटेड नहीं है आई थिंक ठीक है ट्रेनिंग uh,

जहाँ तक हम ढूंढ पा रहे थे तो सभी की शायद हो सकती है सभी उसमें अवेलेबल है पर आप बताएं इसका राइट आंसर क्या है आपके नज़र में और आप बता सकते हैं कमेंट्स में उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट ठीक है तो ऑल ऑफ सभी कुछ भेजा जा सकता है दिट इज नॉट ट्रू फॉर स्पीड पोस्ट सर्विस ठीक है स्पीड पोस्ट सर्विस के लिए नाइन्टी फोर इनमें से क्या सही नहीं है एस एम एस आधारित ट्रेक एंड ट्रेस फ्री पिकअप देरी या गुम होने पर मुआवजा या फिर बीमा ठीक है तो कौन सा सत्य नहीं है ये तो सभी सत्य ही है मेरे फ्री पिकअप नहीं होता है स्पीड पोस्ट पे शायद है ना तो राइट आंसर बाकी तो सभी है आगे है कंपनसेशन टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल पार्सल बुक्ड इन पोस्ट ऑफिस इन इंडिया इन केस ऑफ लॉस थेफ्ट ठीक है फोर्टी तो एस डी आर जाएगा 40 दो हजार ग्यारह में माई स्टैम्प को इंट्रोड्यूस किया गया था आ गया इन विच ईयर पी एल आई एक्सटेंडेड ठीक है, है तो नाइनटीन एटीन नाइनटी फोर में जो है पी एल आई को नाइनटी सेवन इंट्रोड्यूस किया गया और बढ़ाया गया फीमेल एम्प्लॉयज के लिए भी विच इज़ नॉट ट्रू इन केस ऑफ चिल्ड्रन पॉलिसी चिल्ड्रन पॉलिसी के मामले में इनमें से क्या सही नहीं है तो पहली ही जो लाइन है वो सही नहीं है कि चिल्ड्रन पॉलिसी के लिए बच्चे की जो एज है पाँच से अठारह साल होनी चाहिए इसके लिए पाँच से बीस साल होनी चाहिए सी ओ डी फैसिलिटी जो है इन सभी में अवेलेबल है एक्सप्रेस पार्सल स्पीड पोस्ट बिजनेस पार्सल तो बल्क कस्टमर प्रोवाइडिंग डैश वर्थ ऑफ स्पीड पोस्ट कैलेंडर मंथ बी एन पी एल के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएगा तो वो है टेन थाउजेंड तो यहाँ पे होती है हमारा आज की वीडियो समाप्त तो उम्मीद करता हूँ आप में से किसी भी को भी अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने ये एग्जाम दिया है शेयर कर दीजिएगा बाकी आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं हम बिल्कुल उसे चेक करेंगे बाकी ये ऑफिशियल बिल्कुल भी नहीं है ठीक है गलती हो सकती है इसमें फिर भी नाइन्टी परसेंट से ज्यादा जो है ये सही है और बहुत मेहनत से बनाया है इस मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ बाकी अगर कोई भी जुड़ना चाहता है हमारे साथ पोस्टमैन एम टी एस एग्जाम दो हजार तेईस के लिए जो कि तीस अप्रैल दो हजार तेईस को होना है उसका बैच हमारा फाइनल बैच शुरू हो रहा है पंद्रह तारीख से कोई भी अगर जुड़ना चाहता है प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन एट फाइव एट जीरो एट सेवन टू फोर थ्री वन हम आपको मिलेंगे नए बैच में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें